तो एक बार होके आ जाओ। अच्छा टाइगर फॉल है वहाँ, वाह जगह तो अच्छी लग रही है। चक्रा था यार, हमारे दादाजी भी घूमने के शौकीन आदमी थे यार, हमारे पिताजी भी बहुत थे घूमने के शौकीन। तो सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। भाई लोग आज है 26 मार्च और दिन है शनिवार का। शनिवार रात थी, मुझे नींद नहीं आती। तो भाई इस वक्त सुबह के 9:30 और जैसा कि आपको पता है 11 बजे तक ऑफिस पहुंचना है हमें। 11 से 7 की शिफ्ट है आज भी भाई की, क्या करें, जाली दुनिया, धूप हो रही है कैड़ी। भाई अपना कूलर लगा रखा था सुबह यहाँ हमने, रात को कमरे में लगा के चलाया, सुबह यहाँ रख दिया। पूरी गैलरी और लॉबी में अच्छे से कूलिंग कर रहा। तो फटाफट से तैयार व्यार हो चुके हैं, पूजा वूजा हमने कर ली, अब निकलते हैं और टाइम से अपने ऑफिस पहुँचते हैं और मिलते हैं आपसे। स्टे ट्यून मेरी जान, बाय। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और भाई लोग सही, हम मतलब 11 बजे से 7 बजे की शिफ्ट है, मैं 10:50 को अपने ऑफिस आ गया था, उसके बाद काम वाम में लगे रहे, अपना जैसा रूटीन नॉर्मल चलता है वो सब रहा। तो आज जैसे कि 11 से 7 की शिफ्ट है और बाकी जो हमारे साथ काम करते हैं नदीम भाई, सूरज भाई, सनी, तो ये सब सर के साथ कॉन्फ्रेंस में गए हैं बाहर, आउट ऑफ सिटी। तो वो अब जा चुके हैं और मैं अकेला हूँ और इस वक्त टाइम हो रहा है 2, तो वो चले गए थे आफ्टर ओपीडी और 2 बजे से फिर हमें संभालना था। तो आते ही मैं काम में लग गया था, आज आते ही ये था कि सर को भी जाना है, पेशेंट भी आ चुके होंगे, ओपीडी भी रहेगी, तो आते ही व्लॉग नहीं बना पाया। तो अब फिर हुआ तो मैंने कहा चलो आपसे बात की जाए और साथ साथ काम किया जाए। अपना ऐसे काम चल रहा है, मैं दिखा देता हूँ, अपना इधर काम चल रहा है, इधर अपने मेल चेक कर रहे हैं साथ साथ, और हमारा व्लॉग आ चुका है, आपने देख ही लिया होगा कल का। तो बहुत बढ़िया दिन रहा है वैसे अभी तक का, तो ठीक है। आज सैटरडे है, सैटरडे वाइब्स, वीकेंड वाइब्स जो होती है वो है। और भाई कल भी मेरी शिफ्ट है। वैसे मैं सोच रहा था संडे कुछ प्लान कर रहा था मैं कहीं घूमने के लिए, तो दिल्ली NCR में बहुत से, एक तो हॉन्टेड प्लेसेस हैं और बहुत से किले हैं, तो देखते हैं कल अगर कुछ हुआ तो कहीं जा सके तो ज़रूर जाएंगे। और AC का काम भी कराना है घर में, कूलर ले आए हैं, बढ़िया चल रहा है, मज़ा आया रात को, कहते ही मसूरी बन गया था कमरा हमारा। तो बाकी हाँ दिन बहुत बढ़िया बीता अभी तक, बाकी काम वाम करते हैं और मिलते हैं आपसे। स्टे ट्यून मिल जाए। शेर आया, शेर आया। भाई लोग बच्चों का शाम के 6 और भाई हो रहा है बहुत कैड़े वाला बोर, क्योंकि दोनों भाई हमारे जा चुके हैं, नितिन भाई और सूरज भाई और प्लस एक और भाई सनी, तो तीनों गए हुए हैं सर के साथ बाहर कॉन्फ्रेंस में और भाई बैठा अकेला बोर हो रहा है, सिस्टम में काम कर रहा है और कितना काम करेगा यार अकेला बंदा भी यार। फिर ये लगता है ना, दो हम तीनों हो जाते थे तो चलो आ रहे हैं जा रहे हैं, बातचीत हो रही है, सब कुछ चल रहा है। 6 बज चुके ऑफिस में छा चुका है सर को, सन्नाटा छा चुका भैया, और यह माली भैया पानी डाल रहे हैं बाहर। तो भाई मैं सर्च कर रहा हूँ 2-3 जगह जो विजिट करने के लिए अच्छी रहें दिल्ली में ही, या तो कल जाके चिड़ियाघर घूमिया है, नहीं यार चिड़ियाघर नहीं, जो मेरे मन में है तुगल फोर्ट आ रहा है बार बार, क्योंकि मैं बचपन से मतलब हमने इतनी बार आते जाते देखा है, उसमें नहीं गया। एक अक्षरधाम मंदिर में कभी नहीं गया, तो मे बी अक्षरधाम मंदिर नेक्स्ट इस मतलब कल तो नहीं जा पाऊंगा संडे को, क्योंकि यार वो बहुत दूर पड़ जाता है यहाँ से, फिर आप नोएडा टच ही हो जाता है अक्षरधाम पहुँचते हुए उससे ना। तो लाल किला तो बचपन से देखता आ रहा हूँ, तो कोई इंटरेस्ट नहीं रहा इतना जाने का, फिर एक बार जरूर जाएंगे। लाल किले के अंदर नहीं गए हम, तो लाल किले के अंदर जरूर जाएंगे। बाकी तुगल फोर्ट मेरा मन है, एक हौसकाज है, हौसकाज विलेज, तो हौसकाज विलेज कल देख सकते हैं, वो भी जा सकते हैं। अदरवाइज़ तुगल फोर्ट का मेरा पक्का हो रहा है। हॉन्टेड प्लेसेस भी सर्च कर रहा था दिल्ली में जो बहुत सी हैं जहाँ जाना चाहिए देखने के लिए, बट कुछ ऐसा क्लियर अभी नहीं हो रहा कि कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं, तो लेट्स सी। एक है तुगल, मैं आपको जरा सा झलक बताता हूँ तुगल फोर्ट की।
व्यू अच्छे हैं, मतलब कहा जाए तो कुल मिला के देख ऐसे नज़ारे हैं। ये है तुगल फोर्ट पूरा, यहाँ से लेके भाई पूरा इस दीवार के उस पार जो रोड है ना, यहाँ से तो होता हुआ मैं डेली गुजरता हूँ। ऐसे ऐसे किले हैं ये, ये है मेन दीवार। ये साला रहा ही अधूरा, बन ही नहीं पाया था जो बनाना चाहते थे इसका, जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है इसके बारे में। तो लेट्स सी, अब तुगल फोर्ट हो गया या हमारा हॉस कार्स विलेज, विलेज नाम का ही है वो वैसे तो सारा सब, मतलब पूरा पब इलाका है, पब हैं, क्लब हैं, दिखाता हूँ। ये जितने भी हैं सारे, ये हॉस कार्स विलेज के अंदर जितने भी हैं सारे में ही वो बने हुए हैं, पार्टी हब्स जो होते हैं, क्लब व्लब ये सब बने हैं। शाम को ऐसा हो जाता है इलाका, बट वहाँ पर एक है ये हॉस कार्स विलेज, तो मे भी यहाँ जा सकते हैं। पर हॉस कार्स विलेज यार ज़्यादा ना, एक तो थोड़ा पहाड़ी पे जरूर है बट वहाँ रश इतना होता है क्योंकि इतनी पब्लिक आती है, कल वीकेंड है, संडे है, तो भाई बहुत रश होगा वहाँ पर ना। 5 किलोमीटर पहले गाड़ी बाइक वहीं रुक जाती है 4-5 किलोमीटर के रेंज में, और फिर वहाँ से पैदल चढ़ो ऊपर तक और फिर वहाँ जाओ अंदर। एक हॉस कार्स सोशल, सबने नाम सुना हुआ है, खाने पीने की जगह है, तो वहाँ बहुत भीड़ होती है। वहाँ पर रिवर व्यू, मतलब कह लो या छोटे से लेक है, लेक व्यू है वहाँ, दैट्स इट, और कुछ नहीं है खास। हॉस कार्स ये दिखा देता हूँ, कैसा होगा ये मिलेगा जाकर वहाँ देख, तो इसलिए मेरा मन नहीं हो रहा यहाँ खास हॉस खास में, खास मेरा मन नहीं है जाने के लिए। मेन मेरा मन कर रहा है तुगल फोर्ट चले, तुगल फोर्ट मैंने देखा नहीं है और बचपन से देखता रहा हूँ बाहर से, अंदर नहीं गए इसके, तो तुगल फोर्ट भी जा सकते हैं, तुगलकाबाद फोर्ट जिसे कहा जाता है बेसिकली। ये देखो क्या है, तो हम यहाँ भी जा सकते हैं बोले तो बॉस, और कल है संडे, इट्स इक्वल टू फंडे, तो संडे को फंडे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, काम भी करना है, शिफ्ट है कल सुबह 9 से 3 तक की। तो बॉस अपने बॉस जो है ना, एक तो आउट ऑफ कंट्री है, एक आउट ऑफ सिटी है, और कॉलिंग का ही मेरा जो पिन काम रहता है वो है 9 से 3 की शिफ्ट है, 9 से 3 करने के बाद अपन चले जाएंगे कहीं व्लॉगिंग के लिए, घूमने के लिए नहीं रहे मित्रों। कल सुबह 9 से 3 की शिफ्ट है हमारी, कल शाम हम सब मोदी जी ग्रेट। लेट्स सी मित्रों कहाँ जाते हैं, हॉन्टेड प्लेस इन दिल्ली, हॉन्टेड। अप्रैल का तो फिक्स कर रहा हूँ मैं यार, जहाँ तक है अभी भी एक बहुत प्यारी लोकेशन ढूंढी है मैंने, अप्रैल या मई में वहाँ जाऊँगा। मतलब कई साल पहले वहाँ हमारी फैमिली में से एक गए थे, मेरे दादाजी गए थे, उसका नाम है चक्रोत्ता, मसूरी से भी ऊपर कहीं पड़ता है चक्रोत्ता जगह, इसका नाम सुना है। और एक्सीडेंटली मेरे दादाजी वहाँ एक्सपायर हो गए थे, उनकी गाड़ी खाई में पड़ गई थी, उसके बाद हमारी फैमिली में वहाँ कोई नहीं गया। तो भाई के मन में जाने की चक्रोत्ता, दिल्ली टू चक्राता है, चक्राता डिस्टेंस, चक्रोत्ता जो भी है, 400 किलोमीटर है दिल्ली से, और जहाँ मेरा घर है वहाँ से अगर मैं लगाऊँ इसे करेक्ट, हाँ तो वही 425 के आसपास पड़ेगा, और 7 घंटे 32 मिनट, मतलब 8 घंटे के आसपास की ड्राइव है, वो भी नॉन स्टॉप 8 घंटे वाली ड्राइव दिखा रहा है इस वक्त जाऊँ तो। चक्राता में क्या नज़ारा देखें, आज तक नहीं गया, सिर्फ कहानी और बातें सुनी है, ने अपना खोया है वहां पे, तो एक बार होके आना चाहता। अच्छे टाइगर फॉल है वहाँ, वाह जगह तो अच्छी लग रही है। चक्राता यार, हमारे दादाजी भी घूमने के शौकीन आदमी थे यार,
हमारे पिताजी भी बहुत थे घूमने के शौकीन। तो वाह वाह, ऐसी जगह में तो बाइक चलाने का अलग ही मजा आएगा। पर जहाँ भी जाऊँगा ये तो फिक्स है अभी कि बॉस बाइक से ही जाऊँगा। अब मैं सोच रहा हूँ दो तीन जने हो जाए ना बाइक पे, मतलब कि एक बाइक पे मैं और मेरा साला हो जाएगा, एक बाइक पे दो बंदे और हो, चार जने हो जाए, चार जनों का ग्रुप हो जाए, फिर और मज़ा आता है सफ़र करने में ना थोड़ा। और जैसे भी होगा अपन निकलेंगे तो फिर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, बट हाँ कल का पहले है मेन, कल का देखते हैं कल क्या कर सकते हैं। तो हॉन्टेड प्लेस के नाम पे यहाँ सर्च किया है मैंने, तो एक आ रहा है आपका अगरसन की बावली, बावली हो गई। तो लेट्स सी, देखते हैं अगरसन की बावली चलें। यार एक बार रुके आया उतना कुछ खास नहीं है ना, हॉन्टेड लगी। लेट्स सी और क्या क्या है। एनकाउंटर हॉरर एट सम ऑफ हॉन्टेड, ओके हॉन्टेड प्लेस इन दिल्ली, ओके ओके। हॉन्टेड स्पॉट इन दिल्ली, बांगड़ तो माफ करो यार। बताओ यार आप लोग ही बता दो कोई हॉन्टेड प्लेस हो या कहीं अच्छी जगह हो घूमने के लिए, जो नेक्स्ट संडे अगर आप एडवाइस करोगे तो नेक्स्ट संडे फिर हम वहाँ जरूर जाएंगे बॉस, बोले तो। और बाकी हाँ अभी तक का दिन बहुत बढ़िया, अभी तक 6 बज चुके हैं बॉस, 6 बजने गया, 6:10 होने वाले होंगे, बट हाँ काम कर रहे हैं, काम जारी है और आपसे मुलाकात जारी है और जारी रहेगी मेरी जान। शिट शिट शिट, बैटरी डाउन हो रही है आईफोन की हमारे, और चार्जर खत्म हो गया है। कोई नहीं काट लेंगे। अच्छा जी ओके, तो मिलते हैं आपसे, डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब आवर चैनल एज यूजुअली मैं जैसे बताता हूँ। और पिक्चर अभी मेरे बाकी है दोस्त, तो स्टे ट्यून्ड। एवरी वन वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। भाई लोग बच चुके हैं शाम के 7 और भाई की हो चुकी है छुट्टी, तो अपनी बीस्ट खड़ी है, बीस्ट को हमने यहीं धुलवा दी है भैया से। अपाचियन हमारे हो चुके हैं, बैठते हैं अपाचे पे अपनी और निकलते हैं घर की और सफर शुरू करते हैं घर की और का। और कल भी जाना है कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाना है, तो घर जाते हैं बात करते हैं, देखो घर पे कुछ अच्छी एडवाइस मिल जाए तो वहाँ देखते हैं क्या होता है। ताकि घर मिल पहुँचते हैं और मिलते हैं आपसे। सो एवरीवन वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और भाई लोग सब रात के 10:30 मैं ऑफिस सही आ गया था अपने घर, 8:10 पर करेक्ट घर आ गए थे हम। और आने आते आते पता नहीं क्या हुआ, एकदम ना थोड़ा हेडेक सा होने लगा था, सिर दर्द हो रहा था, फिर भारी भारी सा हो रहा था। मैं आया आगे थोड़ी देर लेट गया, फिर आने का मैंने एकदम जैसे बताता हूँ अधिकतर के घर पहुँच गया हूँ, वो ब्लॉग नहीं बना पाया। फिर आके मैं थोड़ी देर लेट आया, फिर मैं उठा हिम्मत हिम्मत करी भाई, सलून गए, क्लीन शेव हुए और मसाज कराई, ऑयलिंग मसाज कराई, सिर की हेड मसाज जिसे कहा जाता है, हेड मसाज करा के थोड़ा रिलीफ सा मिला। फिर घर आया, थोड़ा सा चाय वाय पी और अब माहौल हो चुका है सोने का, खाना वाना हमने खा लिया है क्योंकि हमें जाना है कल ऑफिस, सुबह 9 से 3 तक की शिफ्ट रहेगी, संडे है, संडे शिफ्ट जैसे होती है 9 to 3 वो रहेगी, और आपको पता ही है फिर घूमने जाएंगे कहीं ना कहीं आपको लेकर। तो देखते हैं कल हमारी मंजिल आपको कहाँ ले जाती है घुमाने। तो बेसिकली हम तो राइडर हैं, प्रोफेशनल भी हैं, और प्रोफेशनल अपने काम को लेकर हैं और राइडर आप लोगों को लेकर हैं घूमने फिरने के शौक के नाम शुरू करते कि चलो जितना घूमेंगे अब आपको घुमाएंगे साथ, तो दिखाएंगे नई नई जगह। तो कल देखते हैं कौन सी नई जगह हम जा सकते हैं और जहां आपको अच्छा लगे हमारे साथ जाकर देखकर। तो कल मिलते हैं आपसे, स्टे ट्यून्ड। कल तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर ऑल ऑफ यू, एंड डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब आवर चैनल, वी लव यू। कल मिलता हूँ मित्रों।